हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, सीए फाउंडेशन में जो लो पेपर है उसका फर्स्ट एंड सेकंड लेसन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेसन नंबर 1 एंड 2 दोनों का रिवीजन हम लोग आज करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि 30-40 मिनट्स के अंदर ये आपका दोनों लेसन कंप्लीट रिवाइज हो जाएं और ऑलमोस्ट सारे कंटेंट इसमें कवर हो जाएं। सबसे पहली बात बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर 1872, एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले रूल अलग होता था कि जम्मू कश्मीर के रूल्स अलग थे, बट फ्रॉम नाउ ऑल एक्ट एप्लीकेबल इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो बच्चों रूटीन वे में आप दो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी किसी तरह की कोई कमिटमेंट की बात आती है तो दो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। जनरली हम दोनों वर्ड को सेम समझते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मीन्स कमिटमेंट है, कमिटमेंट है, बट ये कमिटमेंट अपने आप में लीगल नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कमिटमेंट है, और वो कौन सा कमिटमेंट है? लीगल कमिटमेंट है। तो एग्रीमेंट का मतलब ऐसा कमिटमेंट जिसको मानने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कमिटमेंट जिसको मानने के लिए आप लीगली बाउंड है। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और पूरा नहीं किया तो सामने वाली पार्टी आप पर लीगल केस कर सकती है, बट आपने एग्रीमेंट किया और पूरा नहीं किया तो सामने वाली पार्टी को आप पर कोई लीगल केस करने के राइट्स नहीं है। तो एग्रीमेंट अपने आप में क्या है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बल्कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक छोटी सी इक्वेशन से पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये हो जाता बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कोई पर्सन किसी को ऑफर देता है, पर्सन जो ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर, और जो ऑफर रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं ऑफरी। एक्सेप्ट हो गया तो ऑफरी बन जाता प्रोमिसी, और ऑफरर बन जाता प्रोमिसर। तो पर्सन हु मेक्स ए ऑफर ऑफरर, पर्सन हु रिसीव्स ए ऑफर ऑफरी। यस या नो करने का राइट किसको हुआ? ऑफरी को। ऑफरी ने ओके कर दिया तो बेटा ऑफर बन जाता प्रोमिस, एंड सेट ऑफ प्रोमिस बन जाता एग्रीमेंट। तो हम कह सकते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी कन्वर्ट इन प्रोमिस, एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रोमिसेस को जोड़ दिया जाए, देन इट्स कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी कन्वर्ट इन प्रोमिस, प्रोमिस हो गया। मैं आपको अपना हाउस दूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपीज देना, मेरा ऑफर है, मैं ऑफरर हूँ, आप ऑफरी हैं, आपने ओके कर दिया। नाउ देर आर टू प्रोमिस, फर्स्ट प्रोमिस फ्रॉम माई साइड आई विल गिव माई हाउस टू यू, एंड सेकेंड प्रोमिस फ्रॉम योर साइड यू विल पे 10 लाख रुपीज टू मी। सेट ऑफ प्रोमिस दोनों को जोड़ दिया जाए, ये एग्रीमेंट है। और अगर बच्चों एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो बन जाता कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उस चीज को मानने के लिए अब आप लीगली बाउंड है। अब लीगल बाउंड होने के लिए क्या चीज जरूरी है? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और बच्चों इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ में मेन 7-8 चीजें जरूरी है। पार्टी के बीच में लीगल रिलेशन होना चाहिए, पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, काम लीगली पॉसिबल होना चाहिए, और कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर अगर एक साथ हैं, सारे फैक्टर एक साथ हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक भी फैक्टर अगर मिसिंग हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
तभी एक स्टेटमेंट कहा जाता है, एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरली कन्वर्ट इन कॉन्ट्रैक्ट. हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता बिकॉज इन्फोर्सबिलिटी फैक्टर मस्ट बी एडजस्ट फॉर इन्फोर्सबिलिटी. सोशल ऑब्जेक्ट, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, फ्रेंडली ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन पार्टीज. सोशल ऑब्जेक्ट, मैंने किसी फ्रेंड को घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, फादर ने अपने बेटे को कहा कि तुम एग्जाम में पास हो गए तो तुम्हें बाइक दिलाऊंगा. दीज आर सोशल एग्रीमेंट्स, नेवर कन्वर्ट इन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो लीगल रिलेशन बिटवीन पार्टीज. होटल में खाना खाने के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपका फ्रेंड होटल में खाना खिला रहा है और होटल वाले से जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा वो लीगल रिलेशन है, लेकिन आपका फ्रेंड आपको घर पे खाने खाने के लिए बुला रहा है, ये सोशल ऑब्जेक्ट है. एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्टैक्ट करें, वो एग्रीमेंट होगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो सोशल ऑब्जेक्ट, पॉलिटिकल, फ्रेंडली ऑब्जेक्ट नेवर क्रिएट ए लीगल रिलेशन. तो बच्चों ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते. तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज फैक्टर्स ऑफ इन्फोर्सबिलिटी मस्ट बी एग्जिस्ट फॉर इन्फोर्सबिलिटी. ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनी वन फैक्टर सच एग्रीमेंट इज नॉट कन्वर्ट इन कॉन्ट्रैक्ट. तो लीगल रिलेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा था तीन बेसिस होते हैं बच्चों. एक तो वैलिडिटी बेसिस पर क्लासिफिकेशन, एक परफॉर्मेंस बेसिस पर क्लासिफिकेशन, और एक फॉर्मेशन बेसिस पर क्लासिफिकेशन. तीन बेसिस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन के. पहला वैलिडिटी बेसिस पर, तो वैलिडिटी बेसिस पर देर आर सिक्स क्लासिफिकेशन. पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली कॉन्ट्रैक्ट बोले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोले एक ही बात है. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ कॉल्ड एज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. All factor of enforceability are exist. Both parties are legally bound to perform it. So both parties are legally bound to perform it. वो valid contract है. Void agreements. Void ab initio. Void from beginning. Void agreement क्या हुआ बच्चों? Void ab initio. Void from beginning. Minor ने किया. Impossible था. Illegal था. वो void agreement है. तो void agreements are those agreement which are void from beginning. Contract कभी बने ही नहीं थे. Void contract, contract which is ceases to be enforceable by law at the time of making of contract. All factor of enforceability were exist at the time of making of contract. सब कुछ सही था, legal relation भी था, consent भी थी, consideration भी था, everything was okay. बट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर हैज बिन फिनिश्ड, वो void contract है. तो void agreement क्या है? शुरू से गलत था. void contract क्या है? Ceases to be enforceable by law. At the time of formation, all factor of enforceability were exist, but before execution, subject matter has been finished. Voidable contract. There is problem of only one factor, which is free consent. Voidable, enforceable at the option of one party, not at the option of other party. Enforceable at the option of one party, not at the option of other party. Enforceable at the option of aggrieved party, whose consent was not freely taken. वो चाहे तो मान ले, और वो चाहे कि उसकी free consent नहीं तो court में चला जाए, और court फिर जो decision देगा, अगर आपने court में prove कर दिया real में free consent नहीं थी, तो contract cancel हो जाएगा. Illegal agreement. Agreement which is restricted by law, forbidden by law, smuggling, gambling, all these are illegal agreement. Important thing is difference between void and illegal. All void agreements are not illegal, but all illegal are void. Due to void agreements, penalty, punishment is optional, but in case of illegal agreement, penalty, punishment can be imposed by court. Supporting agreement, collateral agreement of void are valid.
बेटा कोई वॉइड एग्रीमेंट है, मैंने माइनर को गुड्स बेचा और वो गुड्स मैं कहीं से उधार लेके आया, तो मेरा सपोर्टिंग एग्रीमेंट वैलिड होगा भले माइनर वाला वॉइड है। लेकिन इलीगल काम आपने किया, स्मगलिंग का गुड्स बेचा है, तो इलीगल के सपोर्टिंग भी इलीगल और वॉइड होते हैं। ये थे वैलिडिटी बेसिस। सेकंड बच्चों फॉर्मेशन बेसिस, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। रिटन और ऑरल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर किए, अदर देन वर्ड्स ओनली बाय फिजिकल एक्सप्रेशन वो इम्प्लाइड है, और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, एटीएम मशीन से पैसा निकालना और ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट करना बेस्ट एग्जांपल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जहां कंडक्ट से एक सिस्टम और एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं आप और अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कोई लगेज पड़ा हुआ आपका प्लेटफॉर्म पर, कूली आता आपका लगेज उठा के जहां आपको चाहिए वहां रख देता है और आप उसको उठाने से मना भी नहीं करते हो, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। किसी की चार्जेबल सर्विस आपने यूज की है, आपको पैसा देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लीगल रिलेशन क्रिएट हो गया, तो ये अपने आप में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड है। परफॉर्मेंस बेसिस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परफॉर्मेंस हैज बीन डन बाय ऑल पार्टीज, कैस सेल, मैंने आपको गुड्स दिया आपने मुझे रुपए दे दिए, मैटर क्लोज, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस हैज बीन डन बाय बोथ पार्टी, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी क्या है, परफॉर्मेंस टू बी डन इन फ्यूचर, परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगी वो एग्जीक्यूटरी है। एंड देर आर टू पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल बायलेटरल। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल, एक ने अपना काम कर लिया दूसरे को बाकी है, मैंने आपको गुड्स दे दिया आप मुझे रुपए देना बाकी हो, वो वन साइडेड है, यूनिलेटरल है। और दोनों पार्टी अपना अपना काम फ्यूचर में करने वाली है, दोनों पार्टी अपना काम बाद में करेगी, वो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ दोनों को अपना काम फ्यूचर में करना हो बायलेटरल है, और एक ने अपना काम कर लिया एक को बाकी है वो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। ये बच्चों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। फिर हमारा पॉइंट आता ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम बात करते हैं ऑफर डेफिनेशन जो है वो आपको एज इट इज याद रखनी है, ऑफर में जो एक्ट में डेफिनेशन लिखी हो आपको एज इट इज याद रखनी है। रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या होंगे, रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या है, ऑफर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर डूइंग समथिंग पॉजिटिव, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर मे बी कंडीशनल। बच्चों ऑफर में कंडीशन हो सकती है और सामने वाली पार्टी उन कंडीशन को मानने के लिए बाउंड होगी, चाहे उसने कंडीशन को पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा, चाहे वो कंडीशन विजिबल है चाहे नहीं है, चाहे उसको समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है। अगर ऑफर के साथ कंडीशन है और आपने एक्सेप्ट किया है तो आप कंडीशन को मानने के लिए भी बाउंड है। तो ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। बेटा पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया जाता है या पर्टिकुलर ग्रुप को दिया जाता है तो वो स्पेसिफिक है, डॉक्टर्स को दिया, लॉयर्स को दिया, बुक सेलर को दिया, स्पेसिफिक। बट इफ माई ऑफर इज ओपन फॉर ऑल, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस था, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी ने ऑफर दिया कि जो हमारी मेडिसिन को यूज करेगा उसको ये बीमारी ठीक हो जाएगी, जनरल ऑफर। एनी पर्सन कैन क्लेम फॉर रिवार्ड इफ ही फुलफिल द कंडीशंस, जनरल ऑफर। बट स्पेसिफिक क्या, पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया या पर्टिकुलर ग्रुप को दिया गया वो स्पेशल ऑफर है। ऑफर मस्ट मीन, जो ऑफर है अपन बात करेंगे बच्चों, विदाउट जो ऑफर आप किसी को दे रहे हैं उसमें कंडीशंस हो सकती हैं, और जो ऑफर है सामने वाली पार्टी ने अगर ऑफर पढ़ा ही नहीं, ऑफर देखा ही नहीं, तो उसकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर, विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस विल नॉट कंसिडर। केस स्टडी था इसका बहुत फेमस, लालमन शुक्ला, चाइल्ड खो गया, सर्वेंट ढूंढ के लेके आ गया, बट उस सर्वेंट को पता ही नहीं था कि चाइल्ड ढूंढने पर रिवार्ड भी था, तो बच्चों वो सर्वेंट रिवार्ड का क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस उसको ऑफर का नॉलेज ही नहीं था।
तो नॉलेज ऑफ ऑफर होना सामने वाले को जरूरी है. तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट, मीन्स इट्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी. विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस विल नॉट कंसिडर. विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस विल नॉट कंसिडर. तो आपको ऑफर पता ही नहीं है, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं होगी. और एक पॉइंट था, ऑफर डज नॉट इंक्लूड सच कंडीशन, नॉन कंप्लायंस ऑफ दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. ऑफर डज नॉट इंक्लूड सच कंडीशन, नॉन कंप्लायंस ऑफ दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. बच्चों ऑफर में ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि साहब आपने अगर 10 डेज में रिप्लाई नहीं दिया तो हम हाँ मान लेंगे, 5 दिन में आपने रिप्लाई नहीं दिया तो हाँ मान लेंगे, तो ऐसी कंडीशन वैलिड नहीं है. तो ऑफर डज नॉट इंक्लूड सच कंडीशन, नॉन कंप्लायंस ऑफ दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. ये रूल्स ऑफ ऑफर थे. ऑफर 5 कैटेगरी के होते हैं बच्चों, जनरल स्पेसिफिक हो गया. एक होता काउंटर ऑफर. इफ एनी पर्सन, इफ ऑफरर गिव्स ऑफर टू ऑफरी बट ऑफरी गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस, वो मेरे ऑफर में किसी बात को चेंज करके फिर हाँ कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी. यह कहा जाएगा कि उसने एक नया ऑफर दे दिया और वो नया ऑफर कहलाता बच्चों काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर मीन्स इन ऑफरी गिव, इफ ऑफरी गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस, इफ ऑफरी गिव्स कंडीशनल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. उसने हाँ तो किया बट मेरी किसी टर्म्स एंड कंडीशन को माइनर या मेजर तरीके से चेंज कर दिया, माइनर या मेजर तरीके से मेरी कंडीशन को चेंज कर दिया, तो वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस होगी. एंड ड्यू टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस ओल्ड ऑफर विल बी लैप्स, न्यू ऑफर विल बी क्रिएट. जो ऑफर था वो ऑफरी बन जाएगा, जो ऑफरी था वो ऑफरर बन जाएगा. क्रॉस ऑफर, सिमिलर ऑफर एक्सचेंज विदाउट नॉलेज ऑफ बोथ पार्टी. जो ऑफर मैंने दिया वही आपने दिया. सिमिलर ऑफर एक्सचेंज विदाउट नॉलेज ऑफ बोथ पार्टी क्रॉस ऑफर है. और लास्ट है बच्चों स्टैंडिंग ओपन एंड कंटिन्यू ऑफर. एक बार ऑफर बना और उस ऑफर के बेस पर रेगुलर डीलिंग होती रहेगी, एक साल तक उस टर्म्स के बेस पर हम काम करते रहेंगे, वो स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यू ऑफर. 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी काम चलता रहेगा, वो स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यू ऑफर है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके काफी केस स्टडी भी आते हैं, ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर. ऑफर इज डिफर फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर. पर्पज ऑफ ऑफर इज रिसीविंग एन ऑफर. ऑफर का पर्पज क्या है, सॉरी, पर्पज ऑफ ऑफर इज रिसीविंग एन एक्सेप्टेंस, बट पर्पज ऑफ इन्विटेशन इज रिसीविंग एन ऑफर. बेटा वो नेगोशिएशन नेचर का होता है इन्विटेशन. मैंने आपको इन्वाइट किया, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऑफर दें. प्राइस टैग, होटल के मेन्यू कार्ड, कंपनी के प्रोस्पेक्टस, डिस्प्ले इन शॉप्स, ऑल आर इन्विटेशंस. एंड शॉपकीपर इज नॉट बाउंड टू सेल ऑन बिहाफ ऑफ रेट कार्ड, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइस लिस्ट और ऑन बिहाफ ऑफ डिस्प्ले. शॉपकीपर इज नॉट बाउंड टू सेल डिस्प्ले आइटम ऑफ शॉप. व्हाई? बिकॉज डिस्प्ले आइटम इज नॉट ए ऑफर. डिस्प्ले आइटम क्या होता है? इन्विटेशन टू एन ऑफर होता है. तो बेटा स्किनर में 3-4 केस स्टडी दे रखी है रिगार्डिंग इन्विटेशन. सेल्फ सर्विस स्टोर है, उसमें आप कस्टमर हैं, आपने गुड्स पिक किया और कैशियर की तरफ ले गए, उस रेट में आप गुड्स खरीदना चाह रहे हैं. क्या कैशियर आपको सेल करने के लिए बाउंड है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा आपने ऑफर दिया है. वो जो डिस्प्ले वो तो इन्विटेशन है, आपने ऑफर दिया है. आपकी एक्सेप्टेंस माने नहीं माने, ये चीज शॉपकीपर उसके लिए बाउंड नहीं है. हाँ, वो पैसा ले लेगा तो एक्सेप्टेंस होगी, और अगर वो मना कर दे कि मुझे नहीं बेचना है तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते. आंसर कैसे लिखना है? बेटा स्कैनर में 8 से 10 लाइन में एक प्रॉपर तरीके से पूरा आंसर लिखा है रिगार्डिंग ऑफर एंड रिगार्डिंग इन्विटेशन टू एन ऑफर. तो कम से कम 10 से 15 लाइन में इसका आंसर होना चाहिए कि कभी भी इन्विटेशन टू एन ऑफर से प्राइस लिस्ट, डेमो, सॉरी मेन्यू कार्ड, प्राइस लिस्ट, मेन्यू कार्ड, प्रोस्पेक्टस, इन चीज़ों से कभी आप लीगली बाउंड नहीं होंगे, क्योंकि ये इन्विटेशन होता है. फिर बात आती है एक्सेप्टेंस. ऑफर दिया, सामने वाले ने ओके कर दिया, एक्सेप्टेंस हो गई. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड. ड्यू टू कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस
काउंटर ऑफर विल बी क्रिएट. तो बेटा एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. एक्सेप्टेंस में कभी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. कंडीशनल एक्सेप्टेंस से क्या होगा, काउंटर ऑफर क्रिएट होगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट, मीन्स कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी. एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन में भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता, बाय पोस्ट, बाय टेलीग्राम, बाय बर्ड्स, कैसे भी भेज सकते हो आप. एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, मैनर एंड विद इन टाइम. बेटा जिस तरीके से कहा गया, जो फॉर्मेट आपको बताया गया है, जिस तरीके से भेजने की बोला गया है और जो लास्ट डेट बताई गई है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सेप्टेंस देना है. एक भी बात अगर आपने छोड़ दी, लेट टाइम निकलने के बाद एक्सेप्टेंस दिया, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेंस ऑफरर की इच्छा कि वो उसको माने या ना माने. तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मैनर एंड विद इन रीजनेबल टाइम. अदरवाइज ऑफरर मे बी एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. वो मान भी सकता है और मना भी कर सकता है. मियर साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस नहीं है, बट कंडक्ट ऑफ पार्टीज मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. साइलेंट रहना, नॉन रिप्लाई, रिप्लाई नहीं करना, कभी एक्सेप्टेंस नहीं होता. साइलेंट रहना, नॉन रिप्लाई, कभी एक्सेप्टेंस नहीं होता. ये बात मैंने ऑफर में भी पढ़ाई थी. मैंने ऑफर में लिख दिया 10 दिन के अंदर जवाब दे दो, नहीं दिया तो मैं हाँ मान लूंगा. पॉसिबल नहीं है, जवाब नहीं आया तो भी हाँ नहीं मान सकते. साइलेंट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस, बट कंडक्ट ऑफ पार्टीज मे बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस. कंडक्ट मीन्स मैंने ऑफर में लिखा, अगर आप एग्री तो आप 10,000 एडवांस भेज दो. उसने हाँ तो नहीं किया, बट 10,000 एडवांस भेज दिया. इस चीज को मैं एक्सेप्टेंस मान सकता. साइलेंट एक्सेप्टेंस नहीं होगा, कंडक्ट को एक्सेप्टेंस मान सकते हैं. अब बेटा इसमें आता है कि कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन. मान लिया आपने 1 अप्रैल को ऑफर भेजा, 10 अप्रैल को सामने वाले को मिला, 15 अप्रैल को उसने एक्सेप्टेंस भेजी और 20 अप्रैल को आपको मिली, तो बताएं ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? 10th अप्रैल. ऑफर कम्युनिकेशन कंप्लीट व्हेन ऑफर कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी. ऑफर कैन बी रिवोक बाय ऑफरर बिफोर डिस्पैचिंग डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. बिफोर एक्सेप्टेंस पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. एक्सेप्टेंस को डाक में डाला गया है, ट्रांसमिशन में डाला गया है, उसके पहले आप अपनी ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हो. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट फॉर ऑफरर. मान लिया ऑफरर एक्स है, तो बताओ एक्स के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब मानेंगे एक्सेप्टेंस का? 15 अप्रैल. और वाई के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? 20 अप्रैल को. और वाई अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है 20 अप्रैल से पहले. क्लियर बच्चों? ये था हमारा पूरा फर्स्ट लेसन. सेकंड लेसन की हम बात करें, कंसिडरेशन. और इस लेसन में हमने कहा था सबसे मेन बात, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न होता है. मैं क्या दे रहा हूँ बदले में, आप जो देंगे वो कंसिडरेशन है. क्विड प्रो क्यो कहते हैं अपन लैटिन लैंग्वेज में. ड्यू टू कंसिडरेशन देर में भी प्रॉफिट और लॉस टू बोथ पार्टीज, और प्रॉफिट टू वन और लॉस टू अनदर पार्टीज. और जो एक्ट में डेफिनेशन लिखी बच्चों 3 लाइन की, वो एज इट इज याद करनी है. रूल्स ऑफ कंसिडरेशन क्या होते हैं? कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही अगर किसी ने आपका इनवॉलेंट्री एक्ट किया है, इनवॉलेंट्री मतलब आपके कहने पर, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अगर आपके कहने पर आपका किसी ने काम कर दिया, तो बेटा वो पास्ट कंसिडरेशन है. कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम काम हुआ प्रेजेंट है, और बाद में काम हुआ वो फ्यूचर है. इन इंडिया तीनों कंसिडरेशन वैलिड है, बट इन इंग्लैंड पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड. कंसिडरेशन मस्ट बी डिसाइडेड बाय प्रोमिसर एंड इट्स मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन मस्ट बी डिसाइडेड बाय प्रोमिसर एंड इट्स मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. डिसाइड प्रोमिसर कर रहा है, देगा कौन? प्रोमिसी भी दे सकता है
उसका फ्रेंड भी दे सकता, उसका रिलेटिव भी दे सकता, कोई भी दे चलेगा. डिसाइड कौन करेगा? प्रोमिसर. कंसिडरेशन मे बी इन एडिक्वेट. एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ड्यू टू इन एडिक्वेट कंसिडरेशन अ ग्रेट पार्टी कैन इजिली प्रूव इन कोर्ट दैट कंसेंट वॉज नॉट फ्रीली टेकन. बेटा कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू के बराबर होना जरूरी नहीं है, ये मार्केट वैल्यू से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. तो कंसिडरेशन मे बी इन एडिक्वेट, लेस देन मार्केट वैल्यू, बट ड्यू टू इन एडिक्वेसी आप कोर्ट में इजी वे में प्रूव कर सकते हो कि हमारी फ्री कंसेंट नहीं थी. तो बेटा 8,000 की चीज को आपने 2,000 में भी बेचा तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि कंसिडरेशन मार्केट वैल्यू के बराबर होना जरूरी नहीं है. तो इन एडिक्वेसी के बारे में लिखना होगा और कंसिडरेशन को डिफाइन करेंगे. कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग फॉर विच अदर पार्टी इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू. जिस काम को करने के लिए आप ऑलरेडी बाउंड है बच्चों, वो कभी अच्छा कंसिडरेशन नहीं होगा. लॉयर केस लड़ रहा, केस लड़ने के लिए आप फीस दे रहे, केस जीतने पर वही लॉयर एक्स्ट्रा फीस की बात करें तो आपका सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, हैविंग सम वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, हैविंग सम वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ. इल्यूजरी कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड. कोई मनी, कोई एक्ट, कोई प्रॉमिस होना चाहिए. मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा, आप मुझे मकान दे देना, तो ये आशीर्वाद कोई कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट हैव ए रियल वैल्यू, इल्यूजरी हो गया ये, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल हो, सर्टेन हो, वो सारी चीजें बेटा जरूरी है. एक पॉइंट आता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दो पार्टी है, एक्स और वाई, कॉन्टेक्ट किया. कंसिडरेशन डिसाइड कौन कर रहा? प्रोमिसर. देगा कौन? प्रोमिसी. लेकिन इसके भी आप पर थर्ड पार्टी जेड भी दे सकती है. तो बेटा वाई को तो मैं बोलूंगा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, लेकिन जेड को मैं बोलूंगा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. तो हमारा रूल कहता है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन नॉट इन्फोर्स, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट. इसको लीगल राइट्स मिलते हैं केस करने के, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स. जो थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी को कभी केस करने के लीगल राइट्स नहीं मिलते. भले पैसा जेड ने दिया है, लेकिन जेड को लीगल राइट्स नहीं है. केस करने के राइट केवल किसके पास है? वाई के पास. तो एक दूसरे पर क्लेम वो ही कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो. थर्ड पार्टी, भले उसने पैसा दिया, भले उसका कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन उसको लीगल केस करने के राइट्स नहीं मिलेंगे. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट एग्रीमेंट, इफ यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, एक्स ने वाई को गुड्स दिया, एक्स ने वाई को कोई चीज डोनेट की, और उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि वाई स्मॉल एक्स को हर महीने 10,000 रुपए देगा, स्मॉल एक्स इज बेनिफिशियरी. अगर कल को स्मॉल एक्स को रुपए नहीं मिलते हैं, ही कैन क्लेम ऑन वाई, ऑल्दो ही इज नॉट पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, but he can enforce the contract for his benefits. So in case of beneficiary, in case of trust agreement, beneficiary can enforce the contract for his benefits. In case of family settlement, family member can enforce the contract for his share. In case of division of HUF, family ka division ho raha hai, unmarried female member can enforce the contract for separation of her marriage expense by estoppel, by assignment. In case of agency, ये काफी सारे पॉइंट है बेटा 6-7 जहां पर थर्ड पार्टी भी लीगल केस कर सकती है. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल क्लेम कर सकता है. ये 6-7 एक्सेप्शन है. और लास्ट पॉइंट है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक हमारा जनरल रूल होता बच्चों, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है. जनरल रूल क्या है? कंसिडरेशन इज कंपल्सरी फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट इन केस ऑफ नेचुरल लव, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड और नियर रिलेटिव, अगर तीनों बातें एक साथ हैं, आपने अपने नियर रिलेटिव को
रिटर्न एंड रजिस्टर्ड फॉर्म में, नियर रिलेटिव को रिटर्न एंड रजिस्टर्ड फॉर्म में कोई भी चीज दी है, नियर रिलेटिव को रिटर्न एंड रजिस्टर्ड फॉर्म में कोई भी चीज दी है और ड्यू टू नेचुरल लव दी है, नॉट ड्यू टू डिस्प्यूट, और बच्चों उसने समथिंग इन रिटर्न कुछ नहीं भी दिया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नियर रिलेटिव भी होना चाहिए, फ्रेंड्स नहीं, नियर रिलेटिव, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड और नियर रिलेटिव, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एंड नेचुरल लव, तीनों बातें एक साथ है तो कंसिडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। सेकेंड था पास्ट इनवॉलेंट्री सर्विस, तो कंसिडरेशन में था पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही किसी ने आपका काम कर दिया अपनी इच्छा से और आपने उसको कंपनसेट करने का कमिट कर दिया, भले जो काम आपने किया वो कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि विदाउट रिक्वेस्ट हुआ है, और बच्चों विदाउट रिक्वेस्ट काम होता हो कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर आपने उसको कंपनसेट करने का कमिट कर दिया है। टाइम बार डेप्ट, वो डेप्ट जो एक्सपायर हो गए, जिसको पेमेंट करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं है, अगर टाइम बार डेप्ट का रिटर्न और साइंड कमिटमेंट कर दिया जाए, टाइम बार डेप्ट का रिटर्न इन साइंड कमिटमेंट कर दिया जाए तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, बिना कंसिडरेशन भी वैलिड है। इन केस ऑफ गिफ्ट कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता, लेकिन बेटा अगर आपने गिफ्ट या डोनेशन डिक्लेयर कर दिया और सामने वाले ने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, तो जितनी उसने लाइबिलिटी क्रिएट की उतना पैसा देने के लिए आप लीगली बाउंड है। और इन केस ऑफ बेलमेंट भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, इन केस ऑफ एजेंसी भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। तो दीज आर द केसेस वेयर कंसिडरेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जो टेस्ट होगा अपना, उस टेस्ट में 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, वो 12 से 12:30 रहेगा, और 11 से 12 आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें केस स्टडीज वगैरह रहेगी। तो 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, 5 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, उसमें भी 25 क्वेश्चंस, तो टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट मंडे को होगा। होप आप अच्छे से पढ़ के दें, स्कैनर ढंग से करें, आंसर कैसे लिखना है ये सारा आइडिया आपको स्कैनर से मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।